आप जान करके हैरान हो जाओगे। कभी बहुत सी बातें मीडिया में देख सुनने को नहीं मिलती है। 2 साल पहले कश्मीर के पुराने पंच सरपंच, क्योंकि कई वर्षों से वहां चुनाव नहीं हुआ था, 100 से ज्यादा पंच सरपंच प्रधानमंत्री निवास स्थान पर मुझे मिलने आए थे, सारे कश्मीर घाटी के से। तो मैंने उनसे कहा, आप आए हैं, मुझे खुशी है। उनकी मांग थी कि चुनाव करवाओ, वहां पंचायत के चुनाव नहीं हो रहे थे, अभी पंचायत के चुनाव हो गए। और आप जानकर के खुशी होंगे, 70-75% मतदान करके पंचायत के चुनाव में लोगों ने हिस्सेदारी की है। भाइयों बहनों, उन सरपंचों से मैंने कहा था 2 साल पहले, तब तो सरपंच नहीं रहे थे लेकिन पहले सरपंच थे, मैंने उनसे कहा आप मुझे एक वादा करिए और वादा निभाना होगा। तो मेरे कश्मीर घाटी के इन भाइयों बहनों ने मुझे कहा कि मोदी जी आप कहिए, हम अपना सर कटा देंगे लेकिन वादा नहीं तोड़ेंगे। मैंने कहा लेकिन आपने मेरा, मैं क्या मांगता हूं वो तो सुना नहीं है। बोले आप कुछ भी कहिए हम पूरा करेंगे। और मेरे भाइयों बहनों, मैं देश के सामने पहली बार ये घटना सुना रहा हूं। मैंने उनसे कहा, कश्मीर घाटी के पंच सरपंचों से मैंने कहा कि आप घाटी में ये आतंकवादी स्कूलें जला रहे हैं, इसको बंद करवाइए, किसी भी हालत में होना नहीं चाहिए। सबके सब पंच सरपंच ने मुझे कहा कि मोदी जी इसके बाद हम जान की बाजी लगा देंगे लेकिन आतंकवादियों को स्कूल जलाने नहीं देंगे। मैंने उनसे कहा था जब आतंकवादी स्कूल जलाता है तब इमारत नहीं जलाता है, आपके बच्चों का भविष्य जलाता है। और आज मैं गर्व के साथ कहता हूं कि मेरे कश्मीर के घाटी के उस पंच सरपंचों ने आज 2 साल हो गए एक भी स्कूल जलने नहीं दिया है। आतंकवादियों को पकड़वा दिया, आतंकवादियों की खबर पुलिस को दी लेकिन स्कूल जलने नहीं दिया है। और इसलिए मेरे भाइयों बहनों, गलती से भी अगर हमें लड़ाई जीतनी है, आतंकवाद को जड़ से उखाड़ना है, तो हम गलती न करें। आतंकवादी हैं, कश्मीरी आज भी आतंकवादियों के कारण मुसीबतें झेल रहा है, वो भी उससे मुक्ति चाहता है। लेकिन पहले सरकारों ने ऐसे बीज बोए कि उनके सपने पूरे नहीं हुए। आज कश्मीरियों के सपने अगर कोई पूरा करेगा तो यही हिंदुस्तान करेगा, यही हिंदुस्तान की सरकार करेगी।